दोस्तों बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस 2022 में मां बनने वाली हैं और उनमें से कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो अपनी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जिसके कारण उन्हें शादी भी करनी पड़ी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के उन कपल्स के बारे में बताने वाले हैं जो 2022 में पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अंकिता लोखंडे। दोस्तों टेलीविजन और बॉलीवुड की एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने हाल ही में अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड विक्की जैन से शादी की है और इन दोनों की शादी कई दिनों तक चर्चाओं में रही। अंकिता और विक्की जैन शादी के बाद अपनी एडोरेबल पिक्चर शेयर करते रहते थे और रिसेंटली उन्होंने अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, जिसकी पिक्चर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सबके साथ शेयर की है और उनकी पिक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अंकिता लोखंडे प्रेग्नेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, अंकिता लोखंडे प्रेग्नेंट हैं और फैंस का तो ये भी कहना है कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। बिपाशा बासु। दोस्तों बॉलीवुड की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने 30 अप्रैल 2016 में करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी और अब शादी के 6 साल बाद बिपाशा बासु प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो शादी के इतने साल बाद प्रेग्नेंट होने पर बहुत ज्यादा खुश है और ये खूबसूरत कपल बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। श्वेता अग्रवाल। दोस्तों प्लेबैक सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण ने भी हाल ही में अपनी वाइफ श्वेता की प्रेगनेंसी की गुड न्यूज सबके साथ शेयर की है और ये कपल बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद इस कपल ने प्रेगनेंसी की न्यूज सबके साथ शेयर की है। इस कपल ने 10 साल एक दूसरे के साथ डेट करने के बाद 1 दिसंबर 2020 को शादी की थी और बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। शिबानी डेंडेकर। दोस्तों बॉलीवुड के एक्टर फरहान अख्तर और शिबानी डेंडेकर काफी समय से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और साथ में बहुत ही रोमांटिक पिक्चर भी शेयर करते हुए नजर आते थे। इन्होंने अपनी वेडिंग को काफी प्राइवेट रखा और ऐसे में फरहान अख्तर और शिबानी डेंडेकर की एक वेडिंग पिक्चर सामने आई है जिसमें आप शिबानी का बेबी बम साफ देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिबानी डेंडेकर शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और इसी वजह से दोनों ने शादी करने का फैसला किया और अपने रिश्ते को नाम दिया है दिशा परमार। दोस्तों राहुल वैद्य और दिशा परमार का कपल बहुत ही खूबसूरत कपल है और इन दोनों को फैंस की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार भी मिला है। राहुल वैद्य और दिशा ने 16 जुलाई 2021 को शादी की थी और हाल ही में इस कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं, जिसमें दिशा परमार का बेबी बम साफ दिखाई दे रहा है और सबको लग रहा है कि दिशा परमार प्रेग्नेंट हैं और ये कपल भी बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। देबीना बोनर्जी। जी हाँ दोस्तों, टीवी के वन ऑफ द ब्यूटीफुल कपल गुरमीत चौधरी और देबीना भी बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। गुरमीत ने कुछ दिन पहले देबीना की प्रेगनेंसी की खबर सबके साथ शेयर की। प्रेगनेंसी की न्यूज शेयर करते हुए इस कपल ने लिखा कि हम 2 से 3 होने वाले हैं, जूनियर चौधरी आने वाला है। दोस्तों हम आपको बता दें कि गुरमीत और देबो नीना ने 2011 में शादी की थी और अब शादी के 10 साल बाद ये उनका पहला बच्चा है। काजल अग्रवाल। दोस्तों साउथ इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस काजल अग्रवाल और उनके हस्बैंड गौतम किचलू ने प्रेगनेंसी की न्यूज सबके साथ शेयर की है और ये कपल जल्द ही अपने पहले बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं। न्यू ईयर की शुरुआत में ही इस कपल ने गुड न्यूज अपने फैंस के साथ शेयर की है। अभी वो दुबई में रह रहे हैं और वहीं से अपनी पिक्चर शेयर करते हुए नजर आते हैं। भारती सिंह। दोस्तों भारत की पॉपुलर कॉमेडियन ने 2017 में अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड हर्ष लंबाचिया से शादी की थी। भारती सिंह प्रेग्नेंट हैं और ये कपल भी बहुत जल्द पेरेंट बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शादी के 4 साल बाद भारती सिंह प्रेग्नेंट हो गई हैं और ये खबर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सबके साथ शेयर की है और उनके फैंस का कहना है कि भारती सिंह को ट्विंस बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारती सिंह ने अपने बच्चे को वेलकम करने से पहले उनके लिए एक रूम डेकोरेट करवाया है जिसमें उन्होंने पिंक और ब्लू कलर पेंट करवाया है। दोस्तों फैंस इस बात से अंदाजा लगा रहे हैं कि भारती सिंह के ट्विंस बच्चे हैं। दोस्तों आपका क्या ख्याल है कि भारती सिंह के ट्विंस बच्चे हैं या नहीं, हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। कृतिका सिंघार। दोस्तों इस लिस्ट में अगला नाम आता है टेलीविजन की खूबसूरत एक्ट्रेस कृतिका सिंघार का। कृतिका ने 2014 में बॉलीवुड एक्टर निकेतन धीर से शादी की थी और अब ये कपल भी अपने फर्स्ट बेबी को वेलकम करने वाले हैं। इस कपल ने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज सबके साथ शेयर की थी और शादी के 7 साल बाद ये कपल अपने पहले बेबी को वेलकम करेंगे, ऐश्वर्या राय बच्चन। दोस्तों ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन 2007 में शादी के बंधन में बंधे थे और ये दोनों 2011 में एक प्यारी सी बेटी आराध्या के पेरेंट्स बने थे और अब राय की सेकंड प्रेगनेंसी की चर्चा हो रही है और उनके फैंस का कहना है कि ऐश्वर्या दूसरी बार प्रेग्नेंट है। दोस्तों आपको इन एक्ट्रेसेस की प्रेगनेंसी के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दें लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें।